प्रकृति का महापर्व कर्मा आज है। कर्मा आदिवासियों के प्रमुख त्योहारों में से एक है। भादो मास की एकादशी को ये पर्व मनाया जाता है। मुख्य रूप से झारखंड और छत्तीसगढ़ में इस पर्व की धूम देखी जाती है। अच्छी फसल और भाई की लंबी उम्र की कामना के साथ ये त्योहार मनाया जाता है। कर्मा पर्व की कई विशेषताएं हैं। इसमें आदिवासियों की सभ्यता और संस्कृति इनके परंपराओं में देखने को मिलती है। इस पर्व में खान पान, गीत संगीत को भी खास महत्व होता है। भादो माह के आगमन के साथ ही लोगों के दिलो दिमाग में कर्मा गीत की परवान इस कदर चढ़ने लगती है कि लोग अपने जुबान को नहीं रोक पाते और गाने गुनगुनाने लगते हैं। वही कर्मा पूजा भाई बहनों का अटूट रिश्ता को भी दर्शाती है। कुंवारी और नवविवाहिता बहनें अपने भाई के उज्जवल भविष्य के लिए व्रत कर पूजा करती हैं और कर्म वृक्ष की तरह अपने भाई की दीर्घायु और परिवार में खुशहाली की कामना करती हैं। आदिवासी समाज के लोग इस पर्व को इतना महत्वपूर्ण मानते हैं कि अपने जीवन के सभी शुभ काम इसी से शुरुआत करते हैं। सावन खत्म होता है और भादो का जो एकादशी आता है, हमारा मन में उमंग उठता है और हम लोग गीत संगीत के बारे में खेती अच्छा हो बोल के अच्छा से गीत संगीत होता है, गुनगुनाते रहते हैं और कर्मा पूजा का आगमन का बेसब्री से इंतजार करते हैं भादो आने से। लोग डरते थे कि कर्म सावन भादो में कहीं जाना उना नहीं है, है ना, और इसी वास्ते नहीं जाते थे। जब कर्म से लोग उबर जाते हैं, उसको कर लेते हैं, तो बोलते हैं कि सोचते हैं कि हाँ अब आप हमको नया जीवन मिल गया है, और तब से लोग उसके दूसरे दिन से, कर्म के दूसरे दिन से नया रिश्ता, नया संबंध लगाने का या अन्य और भी जो भी है कार्य, उसको लोग प्रारंभ करते हैं। पहले तो सारी बच्चियां करती हैं इसको, ये मतलब शादीशुदा लोग के लिए नहीं होती है, ये बच्चियों के लिए होती है, क्योंकि अपने भाइयों के लिए व्रत रखते हैं कि उनकी सलामती के लिए रखते हैं। तो जब उनकी पहला शादी हो जाता है, हमारे यहाँ नियम है कि शादी से पहले या तो उनके यहाँ कर्मा डाली पहुँचती है या शादी के बाद में पहुँचती है। इस दिन गांव के पाहन युवक युवतियों संग कर्मा की डाल को लेकर नाचते गाते गांव के हर एक घर में घूमते हैं और एक दूसरे को जावा फूल खोसकर पर्व की शुभकामनाएं देते हैं। इसके बाद गांव की खुशहाली और समाज के। तो राज्य में कर्मा पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। सीधे आपको लिए चलते हैं सहयोगी अंजनी के पास और देखते हैं कि क्या कुछ दिखा रहे हैं इस प्राकृतिक पर्व कर्मा को लेकर। अंजनी, क्या तस्वीरें दिखा सकते हैं आप? आज कर्मा पर्व है और राज्य में काफी धूमधाम से इसे मनाया जाता है। इस वक्त जो है हातमा में है और हातमा जो है मुख्य आदिवासियों का मुख्य अखाड़ा स्थल है और यहीं से तमाम चीजें जो है दिशा निर्देश होती है। और आज का जो पर्व है एक प्राकृतिक पर्व है और भाई बहन के रिश्तों का एक पर्व है, तो एक अलग उमंग है। आप देख सकते हैं कि जो नृत्य है, जो संगीत है, वो भी शुरू हो गया है। मांडर की जो थाप है और जहां बहनें जो हैं अपने भाई के लिए जो कामना कर रही हैं, तो गीतों के माध्यम से ये एक कामना की जा रही है कि भाइयों की उम्र जो है लंबी हो, भाई स्वस्थ रहे, भाई खुशी से रहे। तो ये खुशियों का पर्व है, पवित्र रिश्तों का पर्व है और प्रकृति से जुड़ा पर्व है। तो हमारे साथ खास मेहमान है जगलाल पाहन जी, और जगलाल पाहन जी मुख्य पाहन है आदिवासी समाज के, तो हम इनसे बात करते हैं पाहन जी से। पाहन जी, ये बताइए ये जो पर्व है मुख्य रूप से क्या बताता है, क्या संदेश देता है? ये कर्म जो है, ये कर्म का बात है, जो कर्मा जो कर्म पूजा है, तो ये हम जनजातियों के साथ साथ में जितने भी झारखंड के जितने भी लोग हैं उनको कर्मा धर्मा के माध्यम से ये कर्म करने का उसका फल के बारे में ही हमें पता चलता है। और विशेष करके ये कर्म त्योहार में ये भाई भाई के लिए जो उनके बहनें होती है उनके लंबी आयु के लिए और उनका सुख समृद्धि के लिए वे प्रार्थना करती है कर्म देव से। और इसमें विशेष करके हम लोग जो कर्म का जो डाली है वो कर्म देव के रूप में उसको मानते हैं। जिस तरह से कर्म का डाली का जो आयु है बहुत लंबा रहता है कर्म पेड़ का, उसी तरह दीर्घायु हो उनका भाई, इस तरह का कामना संदेश देती है। और कर्म के बाद ही ये पूजा उजा पारंपरिक विधि विधान से झारखंड में किया जाता है, हम लोग करते हैं। और इसको
करने के साथ में जो हम लोग का जो है धान धूल जो धन दौलत है हमारा खेत खलिहान जो है वो भी भरा पूरा हो, हरा भरा हो और सुख समृद्धि बना रहे, इसके वास्ते हम लोग करते हैं। साथ ही साथ कर्म के बाद ही हम लोग जितने भी कोई नया काम करते हैं, कोई संबंध लगाने का अच्छा शुभ कार्य जो भी होता है, कर्म के पश्चात ही ये प्रारंभ होता है। देखिए राजदा, ये जो पर्व है, ये समय जो होता है आदिवासी समाज जो है अपने घरों में शुभ काम की शुरुआत भी करते हैं, तो एक बेहद झारखंड में जो है बहुत व्यापक पैमाने पे आदिवासी हैं और ये लोग पूजा करते हैं विधि विधान से, और ये जो पूजा का वक्त है ये शाम में होता है और आज जो बहने हैं वो उपवास में रहती हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि अखाड़ा का जो दृश्य है वो पूरी तरह से एक संगीतमय है और लोगों में एक खुशहाली है, एक उमंग है, और मांदर की थाप में ये लोग थिरक रहे हैं। और ये जो सिलसिला है, अब ये हम जरूर कह सकते हैं कि ये सिलसिला अब शुरू हो गया है और अब लगातार जो है तमाम घरों में लोग पूरी तैयारी में जुटे हैं, और इसके साथ साथ जहां अखाड़ा है, अखाड़ा को बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है। तो ये अखाड़ा भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरी तरह से जो टेंट से पूरी तरह से इसे सजा दिया गया है, और ये कर्मा पूजा महोत्सव साधना टोली हाथमा ये किया गया है। और ये आप देख सकते हैं जिस तरह से जो बहने हैं वो खुशी से झूम रही हैं, नृत्य कर रही हैं। तो कर्मा जो है ये संदेश, जहां आदिवासियों का जो पर्व कर्मा है इससे जुड़ा होता है गीत संगीत नृत्य और प्रकृति की रक्षा का संदेश भी ये पर्व देता है। हम अब थोड़ा उन लोगों से ही बात करते हैं कि ये जो गीत गा रही है, क्या इस गीत के माध्यम से ये जो गीत आप लोग गा रही हैं, क्या मैसेज है इस गीत में? इस गीत में यही मैसेज है कि हम लोग का कर्मा का त्योहार है और हम लोग अपना देवर भाभी का ये गाना है। अच्छा, देवर भाभी का तो ये बहनों के लिए भी तो गीत हो, भाइयों के लिए भी तो गीत होगा, सभी के लिए है, भाइयों बहनों सभी के लिए गीत है। ये जो गाना हम लोग गा रहे हैं ना वो है देवर भाभी का ही, कि भाभी बोलती है अपना देवर से कि देवर हम मतलब तुम मछली मार के लाओ और हम पकाएंगे, और जब भाभी के लिए देवर ला देता है मछली तो भाभी उसको रिंच पका के और रखती है, पानी लाने जाती है, उसके बाद में कुत्ता घुसता है और खा जाता है, यही इसमें ही है। ये बताइए आज आप लोग की क्या तैयारियां हैं घरों में? हमारे घरों में सभी का पूजा पाठ करने की पूरा तैयारी हो रही है, और जैसे शाम में हमें पूजा करना होता है तो उसके लिए सारे पकवान वगैरह बनाए हुए हैं। इसमें क्या विशेष जो पकवान है वो क्या बनाते हैं? वो उसमें चावल का जो रोटी होगा हम लोग खासकर वही बनाते हैं, वही हमारे अपने कुल देवता को चढ़ाते हैं गाँव के। अच्छा, आज उपवास में भी आप लोग होंगे? हाँ जी, हाँ जी, उपवास करेंगे और शाम में पूजा करेंगे, फिर उसके बाद अखाड़ा मांगेंगे, बच्चा लोग भी सभी मिलजुल के करेंगे, उसके बाद नाच गान, फिर लाट करेंगे, फिर सुबह में कर्मा बोहा। अच्छा, सुबह का जो होता है कल का क्या ये होता है? कल हमारा विसर्जन रहता है, रात में जाग के सब पूजा करते हैं, नृत्य करते हैं, और उसे अकेले नहीं छोड़ना है, सुबह फिर पूजा पाठ करके उसे विसर्जन किया जाता है। अभी जो सामाजिक माहौल जो है उसमें ये पर्व कितना महत्व, क्या मैसेज देता है? यही है कि कर्मा पूजा हमारा जो फेस्टिवल है उसे, और जो हम लोग प्राकृतिक पूजा करते हैं, बस वही है कि क्या पेड़ पौधों की भी रक्षा की बात होती है? हाँ, हमारे इस पूजा में पेड़ पौधों का भी विशेष महत्व दिया जाता है, उनको पूजा किया जाता है, और हमारे बुजुर्गों और हमारे जो पुराने बुजुर्ग थे उनका भी कहना है कि पेड़ पौधा हरियाली रहे, और ये भाई बहनों का प्यार का त्योहार है, बहन बहन उपवास करती है भाई के लिए, उन्हीं के लिए पूजा करती है कि मेरा भाई सदा हरा भरा रहे। तो देखिए जिस तरह से जो कर्म डाली के बारे कहा जाता है राजदा, कि कर्म जो पेड़ है उसकी ऊंचाई काफी होती है, तो उसी तरह भाई ऊंचाई तक पहुंचे, भाई की जो उम्र है लंबी हो, तो जहां दीर्घायु हो, लंबी हो, सुख समृद्धि हो, तो इन तमाम चीजों को लेकर जो है ये कर्मा पर्व जो मनाया जा मतलब शुरुआत हो गई है। और हम जाते जाते जरा पाहन जी से भी एक संदेश ले लेते हैं। पाहन जी, ये पर्व का क्या संदेश होगा, लोगों से क्या अपील करेंगे?
ये कर्म के आज शुभ अवसर पर तमाम लोगों को हम यही कहेंगे कि जो हमारा जो परंपरा है, जो हमारे पूर्वज जिस रास्ता को हम लोग को दिखाए हैं, उन तमाम चीजों को हम लोग पूरा करें, अपना परंपरा को बचाए। जिस तरह से हम लोग का रीति रिवाज विधि विधान होता है उसको हम लोग समझे, अपने पूर्वज का दिया हुआ शिक्षा को हम लोग उसी पर चले और सत्कर्म करे, अच्छा काम करे, उसका परिणाम भी हम लोग को अच्छा लगेगा। काफी कुछ संदेश देता है ये कर्म पर्व, और काफी अच्छे से आपने दिखाने और समझाने की कोशिश की कि कैसे लोग अपनी तैयारियों में जुटे हुए